जब भी हम बिल्ड क्वालिटी या किसी गाड़ी की अच्छी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, या कह सकते हैं कि जब भी हम टाटा की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी जो YouTube पर अपनी जो रिव्यूज है वो देता है, तो जब भी वो टाटा की बिल्ड क्वालिटी की बात करता है तो कुछ और कार कंपनीज के जो ऑनर्स हैं वो उस चीज पर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये पेड प्रमोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ टाटा को ही प्रेफर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाटा की ही बिल्ड क्वालिटी को जो है वो अच्छा बताने की ट्राई कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो असल में मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्या रीजन है कि सभी लोग जो है अपनी इंडिया की जो कार कंपनी है उसको उस तरीके से नहीं लेते हैं। हालांकि वो अब नेक्सॉन जो एनकैप है उसने भी क्लियर कर दिया कि नेक्सॉन इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है और उसने उसको 5 स्टार रेटिंग भी दे दी है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को समझने के लिए मेंटली तैयार नहीं है कि हाँ यार ये कैसे हो गया। तो बात करते हैं हम बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में क्या होता है कि जैसे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि बिल्ड क्वालिटी कहां पर आपके काम आती है और कहां पर आपके जो है वो मदद करती है। बिल्ड क्वालिटी आपकी गाड़ी की अगर अच्छी है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड चलाओ, चाहे आप अपनी गाड़ी को 120 या 130 पर चला लो, तो आपकी अगर गाड़ी कहीं पर जाकर टकरा भी जाती है तो भी आपकी गाड़ी जो आप में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्ड क्वालिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी भी आपकी मदद तभी करेगी जब आप अपनी गाड़ी को अच्छी स्पीड पर सही स्पीड पर चलाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देहरादून में एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें 4 लोग बैठ गए थे, मौसम खराब होने की वजह से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए हैं वो लोग। और तभी वहां पर क्या हुआ कि जो एक बहुत तेज जो हवा थी उसकी वजह से एक पोल लगा हुआ था, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट पोल भी कह सकते हैं, उसमें कुछ बहुत हैवी पोल था वो, और वो पोल आकर नेक्सॉन के ऊपर गिर गया और उसमें जो 4 के 4 आदमी जो बैठे थे वो आदमी के ऊपर उस फैमिली पर एक भी खरोच नहीं आई और वो फैमिली बिल्कुल सेफ अपनी गाड़ी से जो है वो बाहर आ गई है। तो यहां पर आकर बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। जब आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज गिर जाए तो वहां पर बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल्ड स्पीड पर चलाते हो वहां पर भी आकर बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपका काम करती है। अगर आप अच्छी तरीके से अपनी गाड़ी पे सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो ही आप अपनी गाड़ी में किसी कोलिजन में बच सकते हो, वरना आपके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल मुझे एक और एक्सीडेंट याद आ रहा है, कुछ 3-4 दिन पहले हमारे लुधियाना द्रोहा में एक एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर उस एक्सीडेंट में 4 जो लड़के थे उनकी मौत हो गई है, और वो एक्सीडेंट जो था वो भी कुछ ओवर स्पीड की वजह से हुआ, और उस वो एक्सीडेंट जो था वो इतना भयानक था कि उस जो गाड़ी थी एसेंट थी वो, और उस एसेंट के 2 टुकड़े हो गए थे, एक जो उसका पार्ट था, एक जो उसकी गाड़ी का जो हाफ पार्ट था वो सड़क के ऊपर जो था वो वहां पर पड़ा था, और लेकिन जो उसका सेकंड वाला पार्ट था वो जो पुल था उस पुल के वो जो उस पुल के नीचे जाकर जो है वो गिर चुका था। तो अब उसमें 4 लड़के थे जिनमें से 3 की एट द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई थी, लेकिन एक को जब हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया तो तब उसकी वहां पर जाकर डेथ हो गई थी। तो अब वहां पर बिल्ड क्वालिटी क्या करेगी यार, अगर आप अपनी गाड़ी को 130-140 की स्पीड पर चला रहे हो तो वहां पर अगर आपका कोलिजन होगा तो आपकी बिल्ड क्वालिटी क्या काम करेगी? ऐसा कौन सा इक्विपमेंट लगा रखा है जो आपकी इतनी स्पीड पर वो काम कर जाएगा? इतनी स्पीड पर तो कुछ नहीं बचेगा, गाड़ी है यार, एरोप्लेन थोड़ा ना है जो आप इतनी स्पीड पर उसको चलाते हो। आप एक चीज और ध्यान से देखिए कि जब भी किसी गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है तो उसकी जो लिमिट होती है वो क्या कितनी होती है, वो लगभग 65 से लेकर 70 किलोमीटर तक की, या 60 से लेकर 65 किलोमीटर तक की जो स्पीड होती है उस पर उस गाड़ी का क्रैश टेस्ट करते हैं। तो उसी चीज से समझ लो यार, इतनी तेज अगर आप गाड़ी भगाओगे तो आप कैसे बचोगे? उसमें तो आपका भगवान भी आपकी जो हेल्प नहीं कर सकेगा। इसलिए प्लीज आप कंट्रोल्ड स्पीड पर गाड़ी चलाइए, और बिल्ड क्वालिटी कहां पर मैटर करती है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे नेक्सॉन के एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें नेक्सॉन ने बहुत सारे आदमियों की जान बचाई है। तो हम दावे के साथ और सच में ये बात कह सकते हैं कि नेक्सॉन इंडिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी अब तक मेड इन इंडिया गाड़ी जो है वो वाकई में है।
तो बस यही था आज की वीडियो का पर्पस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।